यार आज अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ शॉप पे और सारा सामान खत्म हो गया, थोड़ा सा पड़ा हुआ है और ये हमारे साथ है, हेलो मार है, तो बस सारा खत्म हो गया, थोड़ा बहुत रहता है, ये भी इंशाल्लाह चले जाएगा सब और ये थोड़ा सा रहता है। और मौसम आज फुल बारिश वाला हो रहा है और सुबह से हवाएं चली जा रही हैं, हवाएं चली जा रही हैं और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, चार तकरीबन साढ़े चार हो रहे हैं। तो अभी मम्मा भी आई हुई थी, मम्मा ये नहीं खड़ी हुई है, मैंने कहा अभी बनाओ मोबाइल मुझे दो ताकि मैं लेके जाऊँगा, तो बस यही सीन है, एक ब्लॉक रह गया। हाँ वहाँ गाँव भी खड़ी हुई है यार एक अकेली, बस अभी देखें दुआ करें सब खत्म हो जाए, क्योंकि अम्मी के वहाँ भी जाने का नहीं हो रहा, क्योंकि इसी वजह से कि यहाँ पर शॉप लगी हुई है, इस वजह से हम लोग जा भी नहीं पा रहे। दुआ करें ये तो हो गया फिनिश, अब ये रहता है थोड़ा बहुत था ये भी खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं और क्या सीन होते हैं फिर घर जाके। सही है लेके जाए भाई, लगा रहता है मोबाइल, बॉडी गार्ड मम्मा है ना खड़ी हुई, लेके जाए मोबाइल बस। आ गए बेटा ये देखो, ये कितनी मेहनत कर रहा है और लेकर आया, मैं कब से वेट कर रही थी तुम आओ तो मैं तुम्हारा वो बनाऊ। जंतर नहीं लेकर आए, कहाँ से लाओगे? हाँ इस तरीके से बाइक पर रखकर लेकर आता है, माशाल्लाह से मेहनत करता है ये, और ये यहाँ पर मस्तियाँ ही करता रहेगा, यही काम है इसका, और ये रहेगा बच्चा मेरा भी, उतारेगा भी और लगाएगा भी, और मैं कब से यही वेट कर रही थी कि ये आए तो मैं ना ये दिखाऊँ आपको, ये कैप्चर करूँ, ये देखो किस तरीके से रखकर लेकर आता है मेरा बच्चा। दोनों मिलके उठाओ, साइकिल उठाओ और ये यहाँ रखेगा, उसने ले ली फौरन से साइकिल, उसने देखा मौका देखा और फरार, मौका देखते ही फरार हो गया। फातिमा कहाँ है? घर पर है, मैं बस तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम आओ तो मैं भी जाऊँ। अब जंतर लेने जाओगे तुम? दिखाना ही है ना, बस अभी तरीके से रखेगा ये, रंगत भी जल गई है इसकी बच्चे की मेरी मेहनत करके। माशाल्लाह फिर इब्राहिम जब जंतर लेकर आएगा, इस बच्चे ने मेरा साथ दिया, इसने ये वाले ने, इसने यहाँ से मुझे प्लास्टिक उठा के दिया, झाड़ू लगाई, फिर हम इब्राहिम का वेट कर रहे थे, अच्छे बच्चे हैं ये भी बहुत अच्छा, और एक और था वो कहाँ गया, कि सारे यहाँ इब्राहिम की हेल्प करते हैं, वो दूसरा साइकिल पर चला गया ना, बस इबू ये कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ घर तुम्हारी, उसने मौका देखा और वो फरार हो गया है ना, ऐसा ही है। हाँ तो बस अब मैं जा रही हूँ, इबू यहाँ पर कर रहा है, बाइक वाइक सही करेगा, मैं मगरिब के बाद रोजा खोल के इंशाल्लाह इसके पास चक्कर लगाती हूँ। तो बस भैया मैं ये जंतर लेके आ गया था, इसको लेके गया तो उतार ना भाई जल्दी से, बच्चों को 50-50 रुपए दे देना, तू ही दे देना, अहमद से लेना, अहमद देगा सबको। अहमद ऐसे बाइक खराब हो जाएगी, बाइक का इसको अपनी भी फिक्र नहीं है, मैं उठा लो भाई मेरे से भारी है। इबू आ जा बेटा, हटो हटो, ये देखो ये देखो प्लास्टिक बिछाया, इब्राहिम बोल रहा है कि अंदर जान नहीं है, बहुत जान है भाई इसके, अरे यार चेयर तो हटा ले। अहमद जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, कपड़ा तो देख ले, कपड़ा ये देख अहमद भाई, तुझे और बिलिंग है मारनी थी, चाहिए स्प्रिंग लगवा ले, चक्कर चाहिए भाई। बात क्या लेने आए हो? रस्सी और जंतर, जंतर और बस, और कितने बकरे आए तुम्हारे? चार बकरे। पायल क्यों नहीं लेके गए रात को, बोल रहे थे तुम नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे? अच्छा फहद हर वक्त गुस्से में ही रहता है, ऐसा लगता है इसको किसी ने मारा है, नहीं आ रहे वो नहीं पहनेगा, वो ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। इब्राहिम तुम इसके लाए थे पायल कहाँ है? इसको दो चार बकरे है ना, कितनी दूँ? अभी नहीं चाहिए हमारे सनाउल्ला, क्यों नहीं चाहिए? इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं सनाउल्ला, इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। 10 बकरे 5 गायें 3 ऊँट आए माशाल्लाह, जा रहा हमसे फिर भी नहीं लेके जा रहे, क्यों भाई? बस जब आएंगे तो लेंगे ना, अभी तक आए नहीं है, ज़कात फितरे से खिला रहे हो, बताएं जरा आप। माशाल्लाह तो देख सकते हैं मस्जिद के चंदे से खरीदी जनाउल्ला।
ये मस्जिद के इमाम साहब है, ये ऐसे मजाक हो रहा है, ये सिर्फ ये शर्म करो, ये इमाम साहब है तुम्हारे भाई है। रेड बुल पिला दे वरना इसने मुझे बतवा दी थी मोबाइल चोरी हो गया। ऐसा था सर, कल मुझे बोला है मस्जिद में बैठ के रेड बुल नहीं पिलाएगा, सामान नहीं बिकेगा। आज है ना, आज रात को ईशा के बाद आना, तुम पिलाओगे, हम सबको कोल्ड ड्रिंक, अभी तुम्हारे ऊपर भी हुए सही है। बस वो ले रहा है वहाँ पर फहद, फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई फहद मुझे बताने आया कि आंटी मैंने ये ले ली, अभी बकरे को पहनाना और शाम में मुझे दिखाना, मैं वो भी व्लॉग में लूंगी। सीन ये है कि अभी मम्मा जो रोजे रख लिए ना, तो उसकी अफ्तारी का वक्त हो गया, मतलब कब से अजान तो गई है। अभी जैसे हम लोग घर बाहर गए थे सौदा टैंग वगैरह लेने, रू अफजा वगैरह लेने, वो लेके हम आ गए, और साथ में मैं गया था कचौरी लेने, कचौरी भी आ गई है, फामा भी बैठ गई है यहाँ पर हमारे साथ। और कैसी मजे की है। तो भाई सीन ये था कि एक कचौरी वाला इधर था, एक कचौरी वाला इधर था, दोनों एक साथ लगे हुए थे। मैंने कहा अंकल 150 के आ देते हैं, 150 के आ देते हैं, ताकि दोनों का, ये वाली अच्छी है, उसका ऑयल में थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। हाँ थोड़ा सा वो लग, लेकिन चले दोनों का अच्छा था, मैंने मूव कर दिया कि यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो अभी जस्ट जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है, और अभी पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या। माशाल्लाह से आज तीसरा रोजा हो गया, बता। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अभी ये बकरीद भी गुजर जाएगी, फिर देखेंगे, मुहर्रम आ जाएगी, फिर से रमजान की आमद हो जाएगी, तो बस ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे ही चलती रहेगी। तो बस ये है कि जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन हमने जो है अल्लाह को राजी करते रहना है, कि जो है नमाज की पाबंदी करना है, और दुआ यही करना है कि अल्लाह पाक हमारा और आपका, हम सबका खात्मा ईमान पे करे, और मरने से पहले अल्लाह पाक जो है एक बार अपने घर बुला ले। बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक तो हमें इतना अमीर कर दे, इतना अमीर कर दे कि जब दिल चाहे तो तेरे घर आ जाए। बस ये एक तड़प है, एक लगन है, पता नहीं कब मौजजा होगा। वो कहना हमें इतना इतना अता कर कि हम तेरी राम लात, हमें इतना अता कर, इतना अता कर, इतना अता कर कि हम खुश हो जाएं, और हम तेरी राम में इतना खर्च करें, इतना खर्च करें, इतना खर्च करें कि तू खुश हो जाए। आमीन आमीन। बस अभी मैं तुझे खाना चेक करके बताती हूँ कैसे बनी है। बनी नहीं, कैसी है। अहमद कल कॉमेंट डाल था कि अहमद आप इतने छोटे से हो, आपने क्या क्या डब रखा है। अहमद क्या चेहरा देखो, सुन्नत है दाढ़ी। अभी तो अभी सुन्नत तो है बेटा, पर अभी आपकी उम्र है, सुन्नत है दाढ़ी, सुन्नत है, इसलिए दाढ़ी नहीं हटा सकते। अभी मैट्रिक भी नहीं गया है मेरा बच्चा। तो बस यार हम कचौरी खाते हैं उसके बाद। असल में अहमद को बड़ा करने का बहुत शौक है, बस ये कचौरी खा के इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। हाँ हाँ मिलते हैं। सीन ये है कि आपका भाई बैठा हुआ था शॉप पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और मतलब जो इज्तिमाई कुर्बानी का मैंने कहा था, आज हाल से बेहाल हो रहे हैं, बस मेहनत है तो भाई फल भी मिलता है, मेहनत करेंगे तो मतलब वर्क हार्ड तो बस अल्लाह ताला देंगे, फिर उसका सिला भी देंगे इंशाल्लाह। तो बस आपने हमेशा अपना 100% देना है, उसके बाद अल्लाह ताला आपको उसका तोहफा भी देंगे, उसका गिफ्ट आपको अल्लाह ताला देंगे, मतलब अपना 100% आप अपनी तरफ से पूरा दें, जैसे हम भी दे रहे हैं। अभी तो पूरा 100 नहीं है, लेकिन 100 देना है तो फिर आपको उसका सिला भी मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा, उसका गिफ्ट भी मिलेगा आपको। और आज देखे ना, पैर पे खून खून हुआ है, मगर मेरा बच्चा ये ऑर्डर लेने जा रहा है, देने जा साथ में मम्मा पापा। हाँ बस सही है। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और हाल से बेहाल है, तो बस इंशाल्लाह फिर आपको थोड़ा क्लीन विलीन होके मिलते हैं इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये हाथ मेरा यूं ही मिलता रहेगा। बहुत सारा प्यार दे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, नमाज की पाबंदी करें, और मेरे बेटे की वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करें।